tocando sua xereca. Oi, cadu, 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 cadu. अभी मैं आपको हाउस टूर देने लगा हूँ। ये जो जगह नहीं दिख रहा, देख रहे आप लोग, ये जगह सैन, इसका लॉन है। तो सही, कोई मतलब सही जगह है। इधर एक फायर पिट है, बोन फायर करने के लिए फायर पिट है, ठीक है ना। तो रात को आप बैठ सकते हैं यहाँ पे, जैमिंग कर सकते हैं, म्यूजिक पे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो है हराई, ये काफ़ी पुराना है, शाहबाज लोगों ने पिछले साल ये रेनोवेट किया है, लेकिन है बहुत पुराना एनवेट के पीछे। सर इसका मकसद है बनाने का कि हम जैसे लोग जो होते हैं इधर आते हैं घूमने, या फिर गाय लेके, या फिर यॉक लेके, या बकरी लेके इधर आते हैं, तो इधर स्टे करते हैं लोग। अंदर सामान सारा पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बाद में। उसके बाद ये जो जगह है, ये बैक यार्ड चेक करें, बैक यार्ड व्यू चेक करें, बैक यार्ड का, ठीक है ना। तो और यहाँ पे गाय भी बैठते हैं, जब हम लोग आए थे यहाँ पे गाय बैठे हुए थे। तो उसके बाद ये हराए पीछे भी चेक करें, वैसे और के पीछे। और ये कोई पत्थर का टेबल बनाया है नाश्ता वगैरह करने के लिए, सुबह चाय शाय पीने के लिए, चाय और हम बैठ के चाय पियेंगे एंजॉय करने के लिए टेबल बनाया है। और वो हाँ मैं एक जगह दिखाता हूँ आगे, और वो जगह जो है साथ में एक नाला है, साथ में एक नाला है, वहाँ से पानी आता है, पानी आके आप एक पोन टाइप का है, वहाँ से गाय पानी पीती हैं, और हमने ख़ुद भी वहाँ से पानी लेके आना होता है पानी इस्तेमाल करने के लिए। लकड़ी तो खैर है नहीं यहाँ पे, लकड़ी ऊपर से लेके आने, हमने ऊपर से लेके आना, लकड़ी नहीं है यहाँ पहले ही बताती हूँ। उसके बाद अंदर जाते हैं, दरवाज़ा आज मेरे पीछे, दरवाज़ा शाम नहीं बनाया वो इस तरह का दरवाज़ा। उसके बाद इधर कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुकिंग करने के लिए ये जगह नहीं है वैसे, कुकिंग के साथ वाली है ये जगह जो है, ये सामान रखने के लिए, लकड़ी रखने के लिए, या फिर बैग वगैरह बक्से जूते निकालने के लिए ये जगह है। इधर हो गया हटाना होगी, ये जगह किचन है, इस जगह पे सारे बर्तन पड़े हैं, इधर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इसके अंदर सारे बर्तन पड़े हैं जो चाहिए होते हैं, ये सारे पड़े हैं। उसके बाद ये इधर सोने की जगह, बैठने की जगह, खाना खाने की जगह, जो जो आपको दिल करे कर सकते हैं। उसके बाद ये है मास्टर बेडरूम, इधर मास्टर बेडरूम, इस जगह पे फाइव स्टार मास्टर बेडरूम, व्यू नहीं है वैसे, व्यू अगर होता तो फिर ज़्यादा बेहतर होता है, क्यों व्यू इसलिए नहीं है क्योंकि सर्दियों बहुत ठंड होती है, तो सारा बंद किया है। बेडरूम है, यहाँ पे बैठ के सर्दियों में सो सकते हो, हम तो बाहर सोते हैं वैसे, बाहर मजा आते हैं। उसके पास के साथ एक किचन है, अगर रात को भूख लगी है तो बाहर ना जाना पड़े, इधर ही पकाना पड़े, इतनी लग्जरी है यहाँ पे। तो अभी खाना पका रहे हैं, या तो यहाँ पे हाउस टूर एंड होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।